अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आसिम खान और आप देख रहे हैं आसिम खान स्किल इन सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने कैसे विंडो 7 में न्यू वॉल्यूम बनाने हैं, मतलब हमने कैसे विंडो 7 में पार्टीशन बनाने हैं। अब हमारे पास ये दो वॉल्यूम है, एक सी और एक डी, डी को जो दूसरी वॉल्यूम में बांटना है। तो सिंपली मैं कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके मैनेज पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको ये डिस्क मैनेजमेंट इस पर क्लिक करना होगा। तो अब यह हमने ये डी वॉल्यूम है, इसके ऊपर राइट क्लिक कर दी और श्रिंक वॉल्यूम इस पर आप क्लिक कर दें। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसको हमने 50 GB हमने अभी बनवाए, तो हमने 50,000 लिखना है। 100 GB हमारे पास है वॉल्यूम, तो हमने इसमें 50 एक और बनानी है। ठीक, मैंने 50,000 और फिर नेक्स्ट, और फिर ये जो अपलोकेट इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके और नेक्स्ट दबाइए, फिर नेक्स्ट आपने सा नाम इसके लिए सेलेक्ट करना है, मतलब ABCD हमने ई किया, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, और ये हमारे पास तीसरी वॉल्यूम आ गई, मतलब हमारे पास एक और पार्टीशन बन गई है। तो आप इसको दिखाते हैं स्क्रीन पर, ये आप देख सकते हैं न्यू वॉल्यूम ई बन गई है, मतलब डी को हमने 2 वॉल्यूम में बांट दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन।